टेक्नोलॉजी का खामियाजा कर्मचारी भुगत रहे हैं। अक्सर वो भी कंपनी बिना नोटिस दिए ही कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा देती है, तो उन्हें कहीं उनकी पेमेंट की कटौती की जा रही है। लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सिंगरौली मोरवा क्षेत्र के झिंगुरद में सिक्कल कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, जिससे नाराज मजदूरों ने ड्यूटी का बहिष्कार कर कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं मजदूरों ने धरना प्रदर्शन करने पर कंपनी के मजदूरों को 14 अप्रैल 2019 से 300 मजदूरों को खाना बंद किया है। वहीं कंपनी ने मजदूरों को रविवार को डबल मिलता था, अब कंपनी के द्वारा रविवार को डबल देना भी बंद कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी में मेस का खाना खराब देते हैं। मजदूरों को 7 माह से बढ़ा हुआ वेतन कंपनी नहीं दे रही। सिक्कल कंपनी के मजदूरों ने एनसीएल प्रबंधन को सूचित किया है, लेकिन किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं कुछ मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने मजदूरों को रूम से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। अगर किसी समस्या को लेकर छुट्टी मांगी जाए तो पहले मना कर दिया जाता है। अगर किसी तरह से छुट्टी दे भी दी जाए तो छुट्टी से पुनः ड्यूटी के लिए आने पर कंपनी मजदूरों को निकाल दे रही है। 2 अक्टूबर से 4 लोगों को निकाल दिया गया है। मौके पर असंगठित मजदूर संगठन इंटक के अध्यक्ष शेखर सिंह ने मजदूरों से बात करके उन्होंने कहा कि अगर कंपनी मजदूरों की मांगे नहीं मानती तो हम सब गांधीवादी तरीके से उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं। दिया है सर, तो पहले जो पेमेंट पे स्लिप हम लोग के पास है वो 26 का 30 दिया है। मतलब ये अभी तत्काल बढ़ा ना पेमेंट बढ़ने के कारण ये जो है सीधा बोल रहे हैं कि 26 का 26 मैं दूंगा, 26 का 30 नहीं दूंगा, जो कि अपनी मर्जी से पहले उसका पेमेंट क्या है। अरे नहीं, कुल मिलाकर के कुटनीति क्या है कि हम लोग को पहले ये जो 30 दिन ड्यूटी करते थे